नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोरोना की अब तक की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में 3526 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 20 मौतें दर्ज की गई हैं। अकेले जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में 658 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। वहीं 20 मौतों में से 7 लोगों की मौतें अकेले जयपुर से दर्ज की गई हैं। वहीं अजमेर से 87, अलवर से 174, बांसवाड़ा से 60, बारा से 35, बाड़मेर से 12, भरतपुर से 26, भीलवाड़ा से 88, बीकानेर से 65, बूंदी से 17, चित्तौड़गढ़ से 125, चूरू और दौसा से 20-20, धौलपुर से 22, डूंगरपुर से 215, श्रीगंगानगर से 26, हनुमानगढ़ से 29, जैसलमेर से 1, जालौर से 62, झालावाड़ से 56, झुंझुनू से 8, जोधपुर से 372, करौली से 33, कोटा से 310, नागौर से 44, पाली से 88, प्रतापगढ़ से 40, राजसमंद से 104, सवाईमाधोपुर से 39, सीकर से 33, सिरोही से 105, टोंक से 50, उदयपुर से 497 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय आवश्यक हो गया है। वहीं मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने जनता से कोरोना के बचाव के लिए भी सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। पीएम ने कहा कि कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है, हमें गवर्नेंस पर बल देना होगा। पीएम ने कहा कि देश फर्स्ट वेव की पिक को क्रॉस कर चुका है और इस बार का संक्रमण पहले से ज्यादा है। पीएम ने कहा कि हम सबके लिए यह चिंता का विषय है, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फिर से युद्ध स्तर पर काम करना होगा। चूरू जिले में स्थित श्री सालासर धाम में जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज गुरुवार को जिला प्रशासन व मंदिर प्रबंध कमेटी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त रूप से निर्णय लेते हुए सालासर बालाजी के दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य होगा। दर्शन हेतु ऑनलाइन बुकिंग भी अनिवार्य की गई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सालासर टोकन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सवाईमाधोपुर जिले के जमवाई सीटीटी कॉलेज में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल और एलडीसी की 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी सीआई हरलाल ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि छात्रों की अनुपस्थिति को पूरा दर्शाने की एवज में प्रिंसिपल और एलडीसी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के करीब 2 साल पुराने मामले में आरोपी को 20 साल कारावास से 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी स्कूल गई 13 साल की नाबालिग को बाइक पर बैठाकर अपने गांव अंता ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने मार्च 2019 में जवाहर नगर थाने में शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी ऑटो में सवार होकर स्कूल गई थी, जो वापस नहीं लौटी। श्रीगंगानगर जिले में नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव और कोतवाली थाना के सीआई ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2 दुकानों को सीज किया है। तहसीलदार संजय अग्रवाल ने बताया कि गोल बाजार और स्टेशन रोड पर कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए गोल बाजार और स्टेशन रोड की दुकानों को सीज किया गया है। कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर अब लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी कार्रवाइयां हुई हैं, अब कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाइयां होंगी। कल इस कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नागौर जिले के जायल के सुरपालिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक युवती के शव पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
सीकर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बेटी के ससुराल में आपसी कलह के बारे में पूछना एक महिला को भारी पड़ गया। बेटी की सास देवर और नंदो ने मिलकर महिला की जोरदार पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसकी बेटी की भी पिटाई की। सूचना पर महिला का पति और दूसरे लोग पहुंचे। जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि जगमालपुरा फाटक के पास रहने वाली आसमीन 4 अप्रैल को अपनी बेटी जासमीन को लेकर लेने के लिए उसके ससुराल जगमालपुरा फाटक के पास पहुंची थी। बातों ही बातों में रोशनी ने सुबह घर में आपसी कलह होने की जानकारी दी। मां ने जब बहू ने इस बाबत सास से पूछा तो ससुराल वालों ने मां को पीट दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के मुंडिया गांव में एक 22 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि युवती की आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। राजस्थान सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने सभी डीलर्स को अब दोपहिया वाहन खरीदारों को दोपहिया वाहन खरीदने पर मुफ्त हेलमेट देने के आदेश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सभी डीलर्स को निर्देश दिए गए हैं। सीकर के सदर थाना क्षेत्र के फगलवा बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप में सवार युवक जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसे में मोलियासी गांव के रहने वाले अशोक जाट और नितेश कुमावत की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि सीकर निवासी शरीफ को घायल हालत में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।